हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद और महीनों के बाद एक और नया व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज इसके पहले कभी मौका नहीं मिला। लॉकडाउन था और काफ़ी और कारणों की वजह से मौका नहीं मिला कोई एक अच्छी राइड करने का। तो आज एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ, मुंबई टू जयपुर, इनफैक्ट सांभर लेक, जयपुर से 60 किलोमीटर पहले। दिस इज़ माई होम टाउन। एक्चुअली प्लान था जाने का ट्रेन से, बट सोचा बहुत दिनों से राइड नहीं करी है और मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर है, थोड़ा सा रिलीफ फील करता हूँ व्हेन आई एम ऑन रोड विथ माय बाइक। सो गाइस, आई एम ऑल सेट फॉर द राइड। मैं आज मुंबई से जयपुर के लिए निकल रहा हूँ, हालांकि आज का जो डेस्टिनेशन है वो है बड़ौदा। मैं आधा घंटा लेट चल रहा हूँ, इट्स ऑलरेडी 9:35। लगेज में मैं इनविक्टस का मार्शल सीरीज का सैडल बैग लेके चल रहा हूँ, एक टेल बैग है। लगेज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बिकॉज मैं ब्लैंकेट, काफ़ी वार्म क्लोथ्स, दो या तीन जैकेट्स हैं, इसकी वजह से लगेज थोड़ा ज़्यादा है। और एनी हाउ मैं 10-15 दिन का ये प्लान है, तो उस हिसाब से लगेज कैरी कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द राइड। तो गाड़ी मैंने ऑलरेडी पहले वार्म अप कर चुका हूँ, तो आई जस्ट स्टार्ट एंड पुश ऑफ राइट अवे। ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट अब जो भी है आई कांट डिले फर्दर, सो आई विल पुश ऑफ नाउ। अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं मिलेगी, आई होप सो। सो मैंने जो रूट लिया है वो खारगर से मुमरा होते हुए, तो मुमरा उस साइड है। मैं मुमरा देवी का जो ये पहाड़ कह लो या फिर डाइवर्जन कह लो, बाईपास, मैं वहाँ से जा रहा हूँ। आई विल गो टू थाने फ्रॉम हेयर, थाने के बाद फिर आई विल टेक दिस घोड़बंदर रोड। घोड़बंदर रोड से होते हुए फाउंटेन से, जो फाउंटेन होटल है उसके पास से निकलते हुए मैं बड़ौदा अहमदाबाद वाला हाईवे लूँगा। हालांकि मैं अहमदाबाद होते हुए नहीं जाऊंगा, मैं गोधरा होते हुए जाऊंगा, बिकॉज अहमदाबाद क्रॉस करना और वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो मैं बड़ौदा से गोधरा वाला रूट लेते हुए शामला जी निकलूँगा, शामला जी से उदयपुर, उदयपुर से अजमेर ब्यावर वाला रोड, और फिर टूवर्ड सांभर लेक और से जयपुर हाईवे। तो ये प्लान है। सालों से ये इच्छा थी कि नॉर्थ विंटर राइड मारी जाए, तो आज जब मौका मिला है तो मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। और मुझे, मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, तो सोचा चलिए इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया जाए और अपनी एक विंटर सोलो राइड ऑन माय मोजो ये कंप्लीट की जाए। लुक लाइक्स वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी लोग यू टर्न मार रहे हैं। लेट मी आस्क, ये पूरा जाम है क्या? पूरा आगे आग लगी है, पूरा जाम है, हम वहाँ पे जाके हैं जाम वाले। नहीं नहीं, जाम है ना, मैं देख के आया ना। हाँ बहुत जाम है बेसिकली, आगे वो टैंकर पलटी हुआ है, वो दोनों साइड से ब्लॉक है। I know. पलटी हुआ है। तो बस मैं वो पूछ के इसलिए आपको अपडेट दिया। थैंक्स मैन। मेरे ख्याल से अभी यहाँ से एक को एक दिखा रहा है ये शॉर्टकट, अभी आई डोंट नो, ये बोईसर टच करके फिर हमको ऐसे जाना पड़ेगा। वो एक रोड है, ये थोड़ा रोड है, आगे से है कहीं से, तो उसके जाना पड़ेगा। सो गाइज, इफ यू कैन सी दैट स्मोक कमिंग आउट, एक टैंकर पलटी हुआ है, लाइक इट्स इन द मिडल ऑफ द रोड, तो दोनों साइड रोड ब्लॉक है। मैं अभी मनोर के आगे कहीं खड़ा हूँ,
ये लगता है एक दो घंटे मेरे यहाँ ख़राब होने वाले हैं। यहाँ से मेरे को बोईसर होते हुए फिर आगे कहीं जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ से निकला जाए बिकॉज ये तो पूरा जाम लग रहा है। मेरे को पेट्रोल भी टॉप अप कराना है, भूख भी लग रही है। गॉड आधा घंटा पहले निकल आया होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती। एनीवे लेट्स सी। हार्ड लक बहुत हार्डेज है। पेट्रोल डलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है बिकॉज अब ब्लिंक करने लगा है तो पेट्रोल डलवा लिया जाए और नाश्ता करते हुए थोड़ा टाइम पास किया जाए। आई थिंक आई शुड टेक ए 1 आवर स्टॉप, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अंदर से जाना आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग इट कम्फर्टेबल। हाँ फुल टैंक कर दो। बिल दे देना। हाँ सो गाइस बाइक की पेट पूजा तो हो गई है। तो बड़ा कंसर्न था पेट्रोल का क्योंकि इंडिकेट कर रहा था लो फ्यूल, तो वो तो टॉप अप करा लिया है फुल टैंक। अब देखा जाए कोई रेस्टोरेंट। आई विल रैदर सिट हेयर एंड वेट फॉर आर और सो। यहाँ पे एक घंटा वेट करना ज़्यादा बेहतर होगा रैदर देन गाँव में या कहीं और से निकला जाए। यहाँ मैंने रुक के पेट्रोल पंप से बाहर निकलते ही पीछे साइड एक ढाबा था तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया, टाइम पास भी कर लिया और नाउ आई कैन सी कि ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हो चुका है। दोनों साइड से ट्रैफिक चालू हो गया है तो आई थिंक वो जो जैम था वो अब खुल गया होगा तो यहाँ से निकला जाए। दिस इज़ समवेयर अराउंड मनोर, मनोर के बाद है बोईसर से, बोईसर के जो डाइवर्जन है उसके बाद ये स्पॉट है। यहाँ से निकला जाए सीधे सूरत के आसपास कहीं रुकूँगा या भरूच, आई एम नॉट श्योर। सो लेट्स स्टार्ट माय राइड। यहाँ बैठ के थोड़ा सा मैंने डेटा बैकअप भी ले लिया था। There are a few more guys, the Baneli group. They are heading towards Kutch and then Jaisalmer. एक बज गया है, सुबह मैं 9 बजे निकला था, 9:30 अराउंड। अभी मैंने महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पाया हूँ। ये जाम ने मेरा 2-2.5 घंटे बर्बाद कर दिया। बट देन दिस इज़ व्हाट हैपन्स ऑन हाईवे। टाइम का कुछ कह नहीं सकते कब कहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए और ऐसा जाम मिल जाए तो। बट एनीवे गुड पार्ट कि मेरा ब्रेकफास्ट हो गया तो सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया था वो अभी बेटर है। पेट्रोल फुल टैंक है 21 लीटर्स तो बड़ौदा तक तो आराम से पहुंचना ही है। उसके आगे भी निकल जाऊंगा बट देन आई विल सी, मैं बड़ौदा में ही टॉप अप करा लूँ दोबारा निकलने से पहले और फिर कल अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा टुवर्ड्स उदयपुर और सो। बिकॉज वन थिंग इज़ फॉर श्योर, वंस आई एंटर राजस्थान मैं शाम को 6 बजे के बाद ट्रैवल नहीं करने वाला बिकॉज़ जो ठंड होने वाली है वो बर्दाश्त होगी नहीं अपन से। और जहाँ भी मेरे को कोई एक अच्छा डिसेंट रहने लायक जगह मिली
जहाँ मैं अपनी बाइक अच्छे से पार्क कर सकूँ, तो फिर मैं वहाँ पे अपना स्टे बैक कर लूँगा और फिर आगे कंटिन्यू जर्नी करूँगा। मेरे को कोई हर्ष नहीं है, कोई रश नहीं है जल्दी पहुँचने का। ओहो, अभी तक जैम हटा नहीं है प्रॉपर। लेट्स सी, दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, फंस गए हैं हम। ये तो अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा आज। आज मैं बड़ौदा ही पहुंचा, बहुत बड़ी बात है। सवा पाँच बज रहे हैं और मैं अभी भरूच क्रॉस करने वाला हूँ। यहाँ से बड़ौदा आई थिंक अराउंड 75-80 किलोमीटर्स और है। आई शुड बी एबल टू डू दैट बाय 6:30, शायद बड़ौदा 6:30-7 बजे तक पहुँच जाऊँगा, बिकॉज थोड़ा रुक के कहीं चाय वाय पीनी है। कहीं रुक के चाय पिया जाए क्या? नॉट हेयर। तो यहाँ रुक के ज़रा चाय पिया जाए, हल्की सी भूख भी लग रही है। आई थिंक आई विल हैव सम बिस्किट्स, दैट विल बी सेफ। तो दोस्तों चाय पी ली गई है, थोड़ा बिस्किट ले लिया, थोड़ा सा अभी बेटर फील कर रहा हूँ। सुबह से ही शुरुआत काफ़ी गड़बड़ हुई थी, सोचा था निकलते ही कहीं चाय पी लूँगा, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लूँगा, बट ये ब्लूटूथ डिवाइस की वजह से जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ उसमें ना तो मैं चाय पी पाया ना ही कुछ ब्रेकफास्ट कर पाया। मनोहर पहुँचते पहुँचते पे जो ट्रैफिक जैम मिला वो 2-3 घंटे और खा गए मेरे, तो उसकी वजह से लंच या कह लीजिए ब्रंच काफ़ी लेट हुआ, अराउंड 12-1 बजे के आसपास, तब तक मेरा सिर पकड़ लिया था। वाह, लुक एट द सनसेट। तो बड़ौदा यहाँ से 66 किलोमीटर्स, निकल से एक घंटा और लगेगा। 6:30 बजे तक मैं बड़ौदा पहुँच जाऊँगा होपफुली, बट फॉर दिस राइड आई थिंक मुझे कॉटन का इंतज़ाम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे कान के पर्दे ज़रूर फटे आएंगे। गाने चलते रहते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा सा वॉइस और थोड़ा सा नॉइज कैंसिलेशन हो जाता है, बट अब ना ही ब्लूटूथ चल रहा है, ना ही गाने सुन पा रहा हूँ और ना ही कोई कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ना किसी से बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि राइड करते समय अगर
बात करते जाए ना तो घंटे दो घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। आई यूजली कॉल अप माई वाइफ, उसको बोल देता हूँ मैं बोर हो रहा हूँ, तो बेचारी वो भी मेरे से एक दो घंटे बात करती रहती है। बड़ौदा तक बहुत ही बोरिंग जर्नी होती है बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ ट्रैफिक। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जब तक आप बड़ौदा अहमदाबाद क्रॉस नहीं कर देते यू विल ऑलवेज गेट दिस काइंड ऑफ ट्रैफिक। अरे हाँ भाई, ऊपर से जाएगा क्या? हाँ जाऊंगा, ऊपर से जाऊंगा। हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा है। तो चलिए, डे वन इज ऑलमोस्ट ओवर, देयर इज नथिंग मच टू शो टॉक अबाउट इट। बड़ौदा पहुँच के अगर कुछ मूड हुआ या और कुछ बताने के लिए रहा तो मैं आपको दोबारा मिलूँगा बड़ौदा पहुँचने के बाद। अदरवाइज कल सुबह मिलते हैं ऑन डे टू ऑन माई वे टू जयपुर।